धनंजय सर, ये क्या जो हिंदूवादी इमेज है उसके डैमेज होने का खतरा है, या खुद देवेंद्र फडणवीस जो है वो बता चुके हैं, उन्होंने ही नवाब मलिक का मामला खूब जोर शोर से उठाने का उन्होंने भी काम किया था, जिसमें उन्होंने उनको देशद्रोही बताया था, भ्रष्टाचारी बताया था। तो इस तरीके की चीजें आपने बताया और फिर आपको वही जनता के बीच में जाना है, तो क्या ये चिट्ठी पत्री के सारे साख बचाने की कोशिश हो रही है? देखिए, जो शिंदे साहब हैं, एकनाथ शिंदे साहब, उनका बीजेपी के साथ जाना बड़ा आसान काम है। और आसान काम इसलिए है कि उनके पास इससे बड़ा ऑफर तो कोई हो नहीं सकता था, तो उनको लगा कि हम हैं, और उनकी कोई अपनी नीति तो है नहीं। उनका वोट बैंक वही है जो शिवसेना का वोट बैंक है, वो बीजेपी का वोट बैंक, सेम वोट बैंक। लेकिन जो अजीत पवार साहब आए हैं, उनका वोट बैंक अलग है, और अजीत पवार जो है बेमेल है वहाँ। अजीत पवार को वहाँ आने का नुकसान झेलना पड़ेगा, ठीक है वो जीत जाए, खुद कुछ और लोग जीत जाएं, लेकिन अजीत पवार गुट को बीजेपी के साथ जाने का नुकसान होगा। बीजेपी अब महाराष्ट्र हो या राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, लगातार अब उसका असर कम हो रहा है बीजेपी का। ठीक है, आप तीनों राज्यों में जीत गए, तीनों राज्यों में आपकी सरकार भी बन जाएगी, लेकिन जो प्रभाव है, देखिए प्रभाव दो तरह का होता है। एक प्रभाव होता है जो गॉसिप करके फैलाते हैं आप, और एक प्रभाव होता है जो आपको भी पता है कि सच क्या है। हर किसी को सच पता है, मोदी जी को भी सच पता है, अजीत पवार को भी सच पता है, और शिंदे को भी सच पता है, और फडणवीस जी को भी सच पता है। जो सच पता है उसी के तहत शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, नहीं तो खुद देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर होते क्या दिक्कत थी भाई, बना देना चाहिए था। तो मुझे लग रहा है कि नवाब मलिक मुसलमान का भी चैप्टर है नहीं, इसलिए कि अब्दुल सत्तार तो मंत्री हैं उनके मंत्रिमंडल में, वो आए हैं उनके साथ, शिंदे जी के साथ वो मंत्री बने हुए हैं, तो मुस्लिम फैक्टर कहाँ है। लेकिन असल फैक्टर है कि नवाब मलिक अब्दुल सत्तार जैसे व्यक्ति नहीं है। नवाब मलिक एनसीपी के पहले भी विधायक थे, और वो अपने दम पे विधायक रहे। जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे तब भी अपने दम पर। और नवाब मलिक का मुस्लिम क्षेत्र में बड़ा खासा प्रभाव है, और नवाब मलिक लंपट किस्म के विधायक नहीं माने जाते हैं। नवाब मलिक माने जाते हैं कि वो बात करने वाला व्यक्ति है, सही बात करेगा। और आपको याद होगा शाहरुख खान वाले प्रकरण में, याद कीजिए शाहरुख खान के बेटे वाले प्रकरण में लगातार एक आदमी बोलता रहा, और फिर उसको खामियाजा भुगतना पड़ा, वो जेल गया, फिर क्या हुआ जेल से लौट करके आ गए। तो मुझे नहीं लगता ये फैक्टर है, लेकिन मुझे लगता है कि अजीत पवार भी कंफर्टेबल नहीं है, और देवेंद्र फडणवीस और शिंदे भी कंफर्टेबल नहीं है। उसकी एक और वजह मैं गिना दूं कि जाति सर्वेक्षण को बीजेपी खारिज करती है, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जाति सर्वेक्षण जो है हिंदुओं के बीच में खाई पैदा करने की या विभाजन करने का षड्यंत्र है। चार जाति, महिला, युवा, किसान और गरीब, वो नहीं मानते हैं कि हमारे यहाँ इतनी सारी जातियाँ हैं। और देखिए ये कितना उस उनके पूरे बीजेपी के नेताओं के बोलने में कितना विरोधाभास है। कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं बोलते हैं ओबीसी को मुख्यमंत्री बना देंगे, कहीं बोलते हैं मैं ओबीसी हूँ, कहीं बोलते हैं जातियों में भेद पैदा करना ये खिलाफ है हिंदू धर्म के। कन्फ्यूज्ड है बहुत, और पब्लिक को भी ऐसे ही कन्फ्यूज रखा हुआ है। यहाँ क्या हो रहा है कि अजीत पवार ने कहा है कि हम जाति सर्वेक्षण हमको कराना चाहिए, और बिहार का मॉडल लेके आना चाहिए, और मध्य महाराष्ट्र में ये जो जातियों का खेल है ना, वो छोटा खेल नहीं है। आप ये जान लीजिए कि यहीं से आरएसएस शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ आरएसएस की अभी भी इतनी मजबूत जड़ नहीं है कि अपने दम पर सरकार बना ले। अपने दम पर आज तक सरकार नहीं बनी बीजेपी की। उत्तर प्रदेश में सरकार कई बार बनाई उन्होंने, यहाँ नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि यहाँ जो है शाहू महाराज, सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले और बाबा भीमराव अंबेडकर, ये तीन सामाजिक न्याय के ऐसे चेहरे हैं जो बीजेपी के विचार के साथ मैच नहीं होते, आरएसएस के विचार के साथ मैच नहीं होते, और नवाब मलिक या अजीत पवार नहीं मैच करते, बेमेल हैं। अभी देखिए छगन भुजबल जो है ओबीसी का मोर्चा लिए हुए है ना, वो ओबीसी का मोर्चा कौन संभाला हुआ है? छगन भुजबल संभाले हुए। तो बड़ी गड़बड़ है, बड़ी बुरी बुरी स्थिति में है महाराष्ट्र में बीजेपी।
और ये बीजेपी अपने तरीके से कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है, कोई गणित नहीं है, कोई व्याकरण नहीं है इनकी राजनीति का, ये बिना व्याकरण वाले राजनीति कर रहे हैं। और ये बिना व्याकरण वाले राजनीति जो है कुछ समय के लिए फायदेमंद हो सकता है, कि देखते हैं कि कई दफ़ा जो है शतरंज नहीं खेलने वाला आदमी जो है शतरंज के खिलाड़ी को हरा देता है, लेकिन कई बार जो है बार बार हार जाता है फिर, तो वही स्थिति है। मुझे लगता है इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है, और ये अगर फर्क पड़ता है तो 2024 के चुनाव के पहले जो 2-3 महीना बाकी है ये भावभूमि बनाई जा रही है। फिर शरद पवार जी का खेल जो है था कि अपने भतीजे को भेज दिया पार्टी तोड़ करके कि चुनाव के समय बच जाओ जेल जाने से, वो भी हो सकता है। अभी क्या होगा महीना भर में पता चल जाएगा। ये 22 जनवरी हो जाने दीजिए, भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने दीजिए, उसके बाद खेल देखिएगा देश में बदलेगा, पूरी हवा बदल जाएगी। और ये जो 10 दिन अभी चल रहा है ना तीनों प्रदेशों में मुख्यमंत्री कौन, ये मंथन कह रहे हैं कि मंथन चल रहा है, दरअसल घमासान चल रहा है, और ये घमासान यहाँ भी शुरू होगा। इंतजार कीजिए 22 जनवरी को क्या होगा के बाद। जी 22 जनवरी के बाद महाराष्ट्र में भी फिर एक बार सियासत जो है वो गर्म होगी और सीन बदलेगा वहां पर, पूरे देश में होगा, क्योंकि 22 जनवरी जो है जो गुवार लेके चले आ रहे थे पिछले 50 साल से 48 से कहिए, राम जन्मभूमि, तो उसका कितना असर हुआ। राम जी का मंदिर कह रहे हैं मैंने बनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया भाई, फिर तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपने प्रभावित किया है, और आपके कहने पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने या जो खंडपीठ बैठी थी उसने कहा कि हाँ राम मंदिर बनेगा, फिर तो न्याय नहीं हुआ क्या ऐसा कहने की आप रखते हैं हिम्मत कि हाँ हमारे कहने पे राम सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि राम मंदिर बनेगा। तो ये विरोधाभासी बातें हैं, लेकिन अब एक विडंबना ये है कि हमारे देश में पूरा का पूरा विश्लेषण जो है एक अलग दिशा से हो रही है, और ज़्यादातर लोग जो है कन्फ्यूज हैं और भटके हुए हैं, वो उनको जनता के नब्ज पकड़ने दौड़ पड़ते हैं, 5 लोग से मिल लेते हैं और तय कर लेते हैं कि जनता के नब्ज ये है, जबकि जरूरत है नेताओं की नब्ज पकड़ने के लिए कि क्या नेता बीमार है या नेता के पास दृष्टि है। जिसके पास दृष्टि नहीं है अपने विशाल समाज के लिए भविष्य के लिए, वो नेता बीमार नेता है। तो किसका विश्लेषण कर रहे हैं आप धनंजय सर? अभी मराठा आरक्षण का मुद्दा जो है पिछले कुछ समय से लगातार गर्म है, उसको लेकर के खूब सारी बातचीत हो रही है, तो ये जो प्रयास है अभी एक अच्छा सब्जेक्ट ये भी मिल गया कि वहां से सबको शिफ्ट करके ले आओ हिंदू मुस्लिम पर, क्या इस तरीके के प्रयास पर भी इसको माना जा सकता है? और दूसरी चीज, एक दर्शक है उनका सवाल ये है, हालांकि इसको लेकर के लगातार बात हो रही है, ईवीएम की बात वो कर रहे हैं कि ईवीएम में 14 से मोदी सरकार बनी थी और 19 में भी वही हाल हुआ, और ईवीएम नहीं हटी तो 24 में भी मोदी की सरकार बनेगी। वो कह रहे हैं कि भाई ये सारे मुद्दों पर बातचीत होती रहेगी, ईवीएम का मुद्दा ज्यादा जरूरी है। तो बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, बन जाने दीजिए, क्या दिक्कत है बनने से, मोदी जी भी इसी हिंदुस्तान के हैं, क्यों नहीं बनना चाहिए उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री। मैं तो कहता हूँ कि इसके बाद 20 साल और रहना चाहिए बीजेपी का, फिर अमित शाह, फिर जो है वो आदित्य योगी। अरे भाई, अगर आपको लगता है कि ईवीएम की वजह से वो सरकार बन रही है तो आप भी हैक कर लीजिए, ऐसा तो है लेकिन टेक्नोलॉजी बनाने वाले या जो है एक्सपर्ट खाली बीजेपी के पास है, बाकी दुनिया में कोई एक्सपर्ट है ही नहीं हैक करने वाला, टेक्नोलॉजी तो किसी के पास हो सकती है, ऐसा तो नहीं है ना कि ईवीएम की आविष्कार बीजेपी ने किया है। ये जो लोग कह रहे हैं ना, उनको अपने नेताओं से, अपने इलाके के विधायक से बोलना चाहिए। ये एक हमारे देश में एक आदत हो गई है, हमको संदेह खड़ा कर देना है तो हमको कुछ जाने ना जाने संदेह खड़ा कर देना, हर चीज पर संदेह खड़ा करना, संदेह खड़ा करने से बचिए। और अगर कोई है, हम पढ़ रहे थे उनका भी, सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि हैक किया जा सकता है, तो भाई सैम पित्रोदा साहब आप ही तो हो जनक टेलीकम्युनिकेशन के भारत में, तो आप वहां से हैक करवा दो सारा जो है, जो ये बीजेपी वाले अपने पक्ष में करते हैं आप कांग्रेस के पक्ष में कर दो, टेक्नोलॉजी तो किसी के हाथ में है, कर लेगा वो। ये सब फालतू की बातें हैं। हारने का तेलंगाना में क्या हुआ, वही ये ईवीएम है ना, और 2 बार कांग्रेस पार्टी जीती है इसी ईवीएम मशीन से, 2004 का चुनाव, फिर 2009 का चुनाव, तब ईवीएम हैक नहीं हो रहा था, तब वो आडवाणी जी कह रहे थे कि ईवीएम हैक हो रहा है। एक और क्या, एक सेफोलॉजिस्ट हुआ करते थे, बाद में नेता बन गए बीजेपी के, नरसिम्हा या क्या कुछ नाम था, अभी मैं भूल रहा हूँ, वो उन्होंने तो किताब लिख दी बाकायदा। तो ये सब जो है गप में न पड़े। मूल ये है कि क्या आपके आसपास ऐसा लगता है मोदी जी के विरोधी लोग ज्यादा हैं,
आप उसको परखने का ये भी एक तरीका। आप देखिए, एक प्रोग्राम आता है लगातार उनके प्रोग्राम में, उसमें क्या बोलते हैं लोग, पब्लिक का क्या ओपिनियन है, जो आम पब्लिक है। आप पब्लिक का मतलब मैं बोल रहा हूँ एकदम आम, जिसको ना जिसको लेना देना है कि कौन क्या देता है हमको, जो 5 किलो अनाज लेकर के चल रहा है, सुनिए क्या बोल रहे हैं वो लोग। तो ये तमाम हमारे देश में इस तरह का, हालांकि चलिए ये अपने आप में अच्छा है कि भटक भटक के फाइनली कहीं पहुंचेंगे तो भटकने दीजिए, कुछ मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ईवीएम को इतना बड़ा इशू है जितना बड़ा इशू हारने वाला व्यक्ति बनाता। अगर है तो भाई, जब मतपत्र से जब वोटिंग होती थी ना, तो ही मतपेटियां बदल दी जाती थी, स्ट्रांग रूम का ताला खुल जाता था, बूथ कैप्चर होते थे, तब नहीं होता था क्या? तब भी होता था। नीयत खराब है अगर आपकी, रीढ़ नहीं है आपके पास, तो कुछ भी कर सकते हैं। जब रीढ़ है, क्या कहा गया है कि ताला जो है ना, वो आपकी नीयत को चेक करता है, ताले से चोरी नहीं रुकती है। बैंक में इतनी बड़ी बड़ी चीजें लगी हुई है, ले जाते हैं बैंक उठा लूट करके लेके चले जाते हैं, तो क्या करें, बैंक बंद कर दें। बोले बैंक से पैसा लेके चला जाता है इसलिए बैंक बंद कर देते हैं। कहाँ रखोगे पैसा, घर में रखोगे? रखो, घर से भी लूट के लेके चले जाते हैं। तो चोरों का कोई नहीं है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। आपको करना है कि क्या आपके आसपास अवेयरनेस है। और जो अभी जो 10 ही साल हुआ भाई, क्यों परेशान हो रहा है? कांग्रेस ने तो 50 साल शासन किया ना, तो उस समय भी लोग कहें कि जो है वो गलत तरीके से लोगों से वोट ले लेते थे, बोलिए खरीद लेते थे, कोई था नहीं तो कर लेते थे, ये भी करना चाहिए। अरे तो 20-25 साल रहने तो दीजिए इनको, 20-25 साल में समझ में आ जाएगा सबको। अभी जो है महंगाई बढ़ी है, किसी को समझ में आ रहा है? सब इस भाव में भूले हुए हैं कि 370 खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया, अब जो है पाकिस्तान भिखारी हो गया, यही सब है ना। वोट क्यों दे रहे हैं लोग? 3 बात पे वोट दे रहे हैं, एक पाकिस्तान भिखारी हो गया, दूसरा जो है राम मंदिर का ताला खुल गया, राम मंदिर बन गया, और तीसरा जो है कि भाई 370 खत्म हो गया। चौथा बोलेगा तो बोलेगा 3 तलाक हुआ, बोलेगा इससे फायदा आपको? बोला मत फायदा हो, 3 तलाक खत्म तो किया मोदी जी। तो वैसे लोगों को आप जो है तर्क की शक्ति पे नहीं तोल सकते। आप इंतजार कीजिए या फिर आप लड़ाई लड़िए जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें कमलनाथ फिर चले जाते हैं मोदी जी की तरफ, कमलनाथ ले आते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री। अब कमलनाथ के लिए राहुल गांधी नेता नहीं है, कमलनाथ के लिए धीरेन्द्र शास्त्री भगवान हो जाता है। तो ऐसे ऐसे नेता पाल के रखेंगे पार्टी के भीतर, तो हारेंगे नहीं तो क्या जीतेंगे? आपकी नीति ही तय नहीं है कि आप गांधी नेहरू की नीति पे चलना चाहते हो या कमलनाथ जी की नीति पे चलना चाहते हो। कांग्रेस को ये इल्म होना चाहिए कि जब से राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद का ताला खोला, जब से शाहवानों केस में इंटरफेयर किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, तब से ही कांग्रेस का भट्ठा बैठा है। ये उनको समझ में नहीं आ रहा है, कौन समझाएगा उनको? ये चिंतन करते रहते हैं, क्या चिंतन करते हो यार, इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती। तुम कभी त्रिपुंड लगा लेते हो, कभी जनेऊ दिखाने लगते हो, कहाँ हो? सरकार बनाने आए हो कि मठाते? अगर त्रिपुंड लगाने से ही अगर देश चलेगा तो फिर बालकनाथ तो देखिए वो मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान में। और हम तो कल्पना कर रहे हैं, हम तो अगर ऐसा बीजेपी घोषणा करे तो मैं तो वोट देने लूंगा, मैं उनके प्रचार में लग जाऊंगा कि जो एक जो महापीठाधीश्वर जो शंकराचार्य को प्रधानमंत्री बनाएंगे ये बोले, तो मैं तो वोट देने लगूंगा उनके पक्ष, अपने चैनल को उधर कर दूंगा कि हाँ ये बहुत सही है, शंकराचार्य देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए। मोदी क्यों प्रधानमंत्री होना चाहिए भाई? क्यों अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाइएगा? आदित्यनाथ को बनाइए प्रधानमंत्री, होगा प्रधानमंत्री वो। उत्तर प्रदेश में अभियान चलना चाहिए कि आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि मठ का आदमी जो है भगवान को भी जानता है बढ़िया तरीके से, पब्लिक को भी जानता है। पब्लिक की क्या परेशानी है? भगवान को बोल देगा। भगवान को क्या परेशानी है? पब्लिक को बोल देगा। तो इससे बढ़िया आदमी क्या चाहिए? तो योगी आदित्यनाथ से कोई ज्यादा भगवान को जानता है क्या इस देश में? जिला समझाइए, समझाइए हमको। योगी आदित्यनाथ जी रोज संवाद करते हैं भगवान से, मोदी जी करेंगे उतना संवाद? मोदी जी कहाँ संवाद करेंगे, तो भीख मांगने में समय गुजार दिए, फिर वो जहाज पे घूमते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी देखिए मठ पे बैठे रहते हैं, आप तो वही लखनऊ में रहते हैं, गोरखपुर में ज्यादा समय रहते हैं कि नहीं रहते? तो भगवान से ज्यादा संपर्क में किन कौन है, योगी आदित्यनाथ या मोदी या अमित शाह? या अमित शाह तो झूठ मूठ के इधर उधर भाषण देते चल रहे हैं प्रधानमंत्री बनने, काहे को उनको प्रधानमंत्री बनाना भाई? प्रधानमंत्री उनको बनाइए जिनका भगवान से सीधा संवाद। अभी देखिए वो एक मदनी साहब हैं, कोई मुसलमानों के नेता बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियां पढ़ करके जो है ब्याह करने लगती हैं दूसरे धर्म में जाकर। कहाँ से पैदा हुए ये लोग यार, किधर से नेता, कौन नेता इनको मान रहा है? ये सबके बदले अकेले खुदा के पास बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से हम लोगों को चाहिए कि समाज को बचाएं। लेकिन अगर समाज उन लोगों के चरण में जाना चाहता है तो जाने दीजिए,
जिसको जिसको लगता है वो खिलाफ बोलेगा, हमको कोई पैसा दिया थोड़े बोलने के लिए। बहरहाल राम भाई, ये पूरा का पूरा लबुलवाब जो ये है कि ये जो नवाब मलिक का इशू है, ये इशू है नहीं, ये एक अड़चन खड़ा की जाती है ताकि हमको फिर पटरी बदलने में सुविधा हो। अभी जी इसीलिए मैंने आपसे मराठा आरक्षण का जिक्र किया था कि क्या ये भी शिफ्टिंग की तरफ ले जाया जा रहा है कि वो मुद्दा खत्म करके हिंदू मुस्लिम की तरफ शिफ्ट किया जाए। 22 तारीख को जो होना है अभी देखिए तमाशा क्या होता है। और हम आप कौन है भाई, हम आप जो भविष्यवाणी किए थे तो फ्लॉप हो गया। हम तो अपने चैनल पे, आपके चैनल पे, 4 PM पे जहां आप जाते रहते, हम कह रहे थे कि नहीं आ जाएगी सरकार, इस बार गहलोत की सरकार आएगी, क्योंकि गहलोत ने बहुत बढ़िया काम किया, इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार आए, नहीं आया, हम फ्लॉप हो गए। तो मानिए ना हम फ्लॉप, हमारे पास जनता की पकड़ नहीं है, हम पकड़ना भी नहीं चाहते जनता के नाम, हम बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहते। हम चाहते हैं नेताओं की नब्ज पकड़े कि नवाब मलिक इधर जा रहे हैं उसका अर्थ क्या है, हम चाहते हैं शरद पवार ने ये किया उसका अर्थ क्या है। हमको जनता से नहीं करना है, जनता के लिए नेता सोचे, क्योंकि नेता ने ठेका लिया कि जनता का भला हम करेंगे, तो अब जनता भी जानती है कि हम कुछ कर सकते हैं जनता के लिए, हम कोई हमारा कोई योगदान नहीं जनता को बेहतर बनाने में। अस्पताल बनाएंगे तो नेताजी बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे तो नेताजी बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे तो नेताजी बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, हम तो कुछ नहीं बनाएंगे। तो लेकिन नेताओं से हमारा सवाल है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और समझदार नागरिक हैं, हम नेताओं से जरूर पूछेंगे कि नेताजी ये बतलाइए, मंदिर आपने बनाया या मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना? अगर आपने बनाया तो फिर सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया आपने, ये हम सवाल करेंगे नेताजी से। नेताजी से हम पूछेंगे कि नेताजी ये बतलाइए कि जो पाकिस्तान कंगाल हो गया उसमें भारत का हित कहाँ, ये बतलाइए, क्या वहाँ भारत के लोगों ने कहा कि अब मोदी जी को कहना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि पाकिस्तान को मिला लो हिंदुस्तान में, हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं, ऐसा कहेगा जब तो हम भी साथ हो जाएंगे। तो सवाल करना हमारा काम है, और जो सत्ता में बैठा व्यक्ति है या जो सत्ता में आना चाहता है, कमलनाथ से सवाल किया ना हमने कि भाई तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हो, अगर धीरेन्द्र शास्त्री भाग्य बदलते हैं तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाओ। कांग्रेस को चाहिए था कि धीरेन्द्र शास्त्री को अपना नेता चुन लेता वहां, कि भैया हमारी तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार धीरेन्द्र शास्त्री है, मंत्र पढ़ेंगे और जनता के दुख दूर हो जाएंगे। क्यों नहीं कमलनाथ ने किया ये, कमलनाथ क्यों मुख्यमंत्री बने बताइए जरा, अगर सारी शक्तियां जो है धीरेन्द्र शास्त्री में है तो कमलनाथ को क्यों, अच्छा किया कब पब्लिक ने वोट नहीं दिया, मालूम है उसको ये वोट देके फिर धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाएगा कि प्रभु क्या करे। तो उसने जब धीरेन्द्र शास्त्री के पास ही जाना है तो धीरेन्द्र शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाइए मध्य प्रदेश का। जी